नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासे में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको पिछले वर्षों में पूछे गए सवाल का क्वेश्चन पेपर इंक्लूड किया है, तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है और लास्ट में आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन राइट होता है। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तो आपको बता देना है कॉमेंट बॉक्स में कि आपका 25 में से कितना सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार, लास्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हु इज फेमस एज द नाइट एंगल ऑफ इंडिया, यानी कि नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए, नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध जो होती है वो आपका सरोजिनी नायडू प्रसिद्ध होती है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन पूछता है कि स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है आपका लता मंगेशकर को जाना जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे दो नंबर क्वेश्चन की ओर। दो नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि विच रूलर बिल्ट द ताजमहल, यानी कि ताजमहल किस शासक ने बनवाया था, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है, तो जल्दी से बताना है ताजमहल किस शासक ने बनवाया था। तो देखिए, ताजमहल जो बनवाया गया था वो आपका शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे तीन नंबर क्वेश्चन की ओर। तीन नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि विच वुमन इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन द नोबेल प्राइज, यानी कि कौन सी महिला है जो नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है, आपको है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी यहां पर आपका इंदिरा गांधी या ऑप्शन डी मदर टेरेसा, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जो होती है वो आपका मदर टेरेसा होती है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए, यहां पर सरोजिनी नायडू जो थी वो आपका भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, इसे आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और भारत की प्रथम महिला आईपीएस जो होती है आपका किरण बेदी थी, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी आपका श्रीमती इंदिरा गांधी थी, इसे भी आपको याद रख लेना है। तो बढ़ेंगे चार नंबर क्वेश्चन की ओर। चार नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज सुगर कप, यानी कि चीनी का प्याला के नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है, आपको बताना है कि शक्कर का कटोरा के नाम से किस देश को जाना जाता है। तो देखिए, चीनी का प्याला यानी कि शक्कर का कटोरा के नाम से जाना जाता है वो आपका क्यूबा को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे पांच नंबर क्वेश्चन की ओर। पांच नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे चक्र में कितनी तिलियां होती है, आपको बताना कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगा जो होता है उसमें कितने तिलियां होती है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज फेमस गोलकुंडा फोर्ट इंस्टीट्यूट, यानी कि प्रसिद्ध गोलकुंडा किला कहां स्थापित किया गया है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो प्रसिद्ध गोलकुंडा किला जो होता है आपका हैदराबाद में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया जो होता है आपका मुंबई में होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना। और सांची का स्तूप जो होता है वो आपका मध्य प्रदेश भोपाल में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच रिवर इज कॉल्ड साल्ट रिवर, यानी कि किस नदी को नमक नदी कहा जाता है, आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 2012 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए, नमक नदी के नाम से जाना जाता है वो आपका लूनी को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और वृद्ध गंगा के नाम से आपका गोदावरी को जाना जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हिच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ प्लेसेस, यानी कि महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका राजस्थान है, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी लखनऊ, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए, महलों प्रसादों की नगरी के नाम से जाना जाता है आपका कोलकाता को जाना जाता है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर से, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए, यहां पर आपका अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नवाबों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है, तो नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है आपका लखनऊ को जाना जाता है, इसे भी आपको याद रख लेना है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा कि चिल्ड्रन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे, यानी कि बाल दिवस किस दिन को मनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बाल दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो देखिए, बाल दिवस जो होता है आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और आर्मी डे यानी कि थल सेना दिवस जो होता है आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज जामा मस्जिद सिचुएटेड, यानी कि जामा मस्जिद कहां स्थित है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना है कि जामा मस्जिद कहां पर स्थित होता है। तो देखिए, जामा मस्जिद जो होता है आपका दिल्ली में स्थित होता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी इयर्स लोकसभा इलेक्शन आर हेल्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्षों के बाद करवाया जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बताना है कि भारत में लोकसभा चुनाव कराने
यानी कि जो समय का अंतराल होता है वो कितने वर्षों का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का अंतराल होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की, और 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट कॉल्ड, यानी कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काफी बार पूछा जा चुका है, तो जल्दी से बताना है कि ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। तो देखिए भारतीय संसद के ऊपरी सदन को जो कहा जाता है वो आपका राज्यसभा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और निम्न सदन जो कहा जाता है आपका लोकसभा को कहा जाता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की, और 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लैक पोल, यानी कि निम्न में से किसे ब्लैक पोल के नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसे ब्लैक पोल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ब्लैक पोल के नाम से जाना जाता है वो आपका पेले को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की, और 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मैकमोहन लाइन इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, यानी कि मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच में स्थित होता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए मैकमोहन रेखा जो होता है वो भारत और चीन के बीच में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर आपका चाइना बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए पाकिस्तान जो होता है, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो होता है वो आपका रेड क्लिफ रेखा होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की, और 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स गैप ओलंपिक गेम हेल्ड, यानी कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए ओलंपिक खेलों का आयोजन जो होता है वो आपका 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की, और 16 नंबर क्वेश्चन है आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। और मैं इससे पहले आपसे बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से लाइक कर दो मेरे दोस्त। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के एक एक लाइक कर दो, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे एक लाइक मांगता हूं मेरे दोस्त। एक लाइक कर दो बहुत ही अच्छा लगता है, तो प्लीज जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर दिया करो, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दिया करो मेरे दोस्त। शेयर करने का कोई भी रुपए नहीं लगता है, तो अब जाकर के जल्दी से एक लाइक और एक शेयर कर दो, बहुत ही अच्छा लगेगा मेरे दोस्त, मेरे को भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो जाकर के जरूर एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना मेरे दोस्त। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, आपको बताने कि पीली क्रांति का संबंध जो होता है वो किससे होता है। तो देखिए पीली क्रांति का संबंध जो होता है वो आपका तिलहन उत्पादन से होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिए सफेद क्रांति का जो संबंध होता है आपका दुग्ध उत्पादन से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की, और 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा रोग है जो आपका दूषित जल पीने से होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कलरा जो, यानी कि हैजा जो होता है आपका दूषित जल पीने से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को, 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच मेटल इज ऑलवेज केप्ट इन ऑयल, यानी कि किस धातु को हमेशा तेल में रखा जाता है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है मेरे दोस्त, ना कि केवल आर्मी में आता है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिए सोडियम को हम लोग आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की, और 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ ग्राउंड वायर इन डोमेस्टिक वायरिंग, यानी कि घरेलू वायरिंग में भूतार का रंग कैसा होता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो घरेलू वायरिंग में भूतार का रंग, यानी कि जो अर्थिंग का जो हमारा रंग होता है वो आपका हरा रंग का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की, और 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ प्लांट साइंस कॉल्ड, यानी कि पौधे के अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं। पूछा कि पौधे के अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं। तो देखिए पौधे के अध्ययन विज्ञान को जो हम लोग कहते हैं आपका बोटैनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की, और 21 नंबर क्वेश्चन पूछा कि किसी नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है, किसी भी नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 सेंटीमीटर होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की, और 22 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने द आर्मी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त। आज उस चैनल पे पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर होने वाला है। जैसे हमारा इस चैनल पे लाइव क्लास खत्म होगा उसके बाद ही द आर्मी क्लास यूट्यूब चैनल पे पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर होगा, तो जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे चैनल का, तो जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा रंग जो होता है आपका खतरे के सिग्नल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कौन सा कलर जो होता है आपका खतरे सिग्नल में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका लाल बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की, और 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट, यानी कि लाल ग्रह के नाम से, मतलब कि लाल ग्रह कौन से ग्रह को कहा जाता है। आपको बताना है कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। तो देखिए लाल ग्रह जो कहा जाता है वो आपका मंगल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिए ब्लू प्लैनेट, यानी कि नीला प्लैनेट जो कहा जाता है आपका पृथ्वी को कहा जाता है।
इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर दो मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा लगता है, तो जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर दिया करो। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आग बुझाने वाली गैस कौन सी है। इसका राइट आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। ऑप्शन नंबर यहां पर नाइट्रोजन है, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना मेरे दोस्त, मैं कमेंट में हट देने के लिए आप सभी के लिए रेडी हूं, तो जाकर के जरूर कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। आपको बताना है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका रदरफोर्ड है, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी ओटो हान, या ऑप्शन डी जेम्स चैडविक। जल्दी से इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो देखिए रेडियो सक्रियता का खोज जो किया गया था आपका मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए जेम्स चैडविक ने आपका न्यूट्रॉन का खोज किया था, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से एक एक लाइक कर देना और द आर्मी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे दोस्त। जैसे हमारे चैनल पर लाइव क्लास खत्म होगा उसके बाद ही वहां पर आपका पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर का टेस्ट होने वाला है, तो जाकर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।